एक और वीडियो में, और आज है ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल हमारे गांव से। और कुछ जानकारों को मैं बता दूं कि जो हमारे गांव में हवाई घर हुआ करता था इंटर कॉलेज के बगल में, वो आखिरकार आज की बारिश में ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए पीछे देखिए, बहुत सारे हमारी तो बचपन की यादें थी इसमें बहुत सारी, और बहुत ही दुख हो रहा है इसे देख के। ऐसी हालत करीबन ये मेरे जन्म से पहले का बना हुआ है, करीबन 1994 के से पहले 90 के पहले का बना हुआ है। और ये देखिए पूरा माहौल, और आज की इतनी भयंकर बारिश में ढह गया और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं देख के अचंबा हूँ उसे। और कैमरामैन मुकेश के साथ बने रहे। बड़ा दुख हो रहा है आज, क्योंकि ये हवाई घर हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई थी इससे बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ पे बैठा करते थे नवरात्र के टाइम और गर्मियों के टाइम, बहुत ही इंजॉय किया करते थे छोटे में। और आज आखिरकार ये करीबन 25-30 साल बाद ये ढह गया है एक ज़ोरदार बारिश से, क्योंकि बना तो बहुत मजबूत था, क्योंकि 30-35 साल चलना बहुत बड़ी बात होती है एक टाइम के लिए। और आज ये हमारे बीच में नहीं रहा, और जो जो दोस्त मेरे इस हवाई घर पे बैठे हुए थे वो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। और बड़े दुख की बात का बतानी पड़ रही है कि ये पेड़ दिख रहे हैं आपको 8 नंबर का, ये भी कुछ दिनों बाद यहाँ पर नहीं दिखेगा। और इधर साइड भी बहुत सारे पेड़ हैं, आपको दिखाऊंगा मैं का माहौल है इस टाइम। शाम के वक्त करीबन समय हो रहा है इस टाइम 7 बज चुकी है, और ये देखिए मौसम का कुछ इस तरीके का हाल है। और हम अभी इंटर कॉलेज के जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग पे हैं, ये देखिए नीचे इंटर कॉलेज, ये देखिए, और ये देखिए कोहरे का ओहराम, ये देखिए ये वही लड़के थे जो वहाँ मस्ती किया करते थे, आज वो ढह गया है। और तैसी बांदर टच भाई, एक और बांदर सड़ी बार पड़ी गई, पर भाई साहब उसमें ना कम से कम पहली थे। अब टोली देखो बिना फोन अभी तब फोन अभी कुंडा फोन अभी बहन जो कथरा बांदर पे ना टोली वाले पौ टोली वालों।